अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपका ऑप्शनल पेपर आपने हिस्ट्री लिया है। यस सर। सुबह से बहुत सारे बच्चे आए और अधिकांश का हमने देखा कि हिस्ट्री है। क्या बात है, आप लोग हिस्ट्री बस सब्जेक्ट ले लेते हैं? सर, देखा देखी किया हुआ है या इसके पीछे कुछ रीज़न भी है? सर, इसके पीछे कई रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि सर, मैं बचपन से हिस्ट्री चूँकि पढ़ता रहा हूँ, तो बचपन से सर ये सरल और सहज लगती थी, कहानी के रूप में मैं ऐसे पढ़ता रहा। दूसरे सर की हिस्ट्री एक सर ऐसा पेपर है जिसमें बहुत सारे पेपर्स जो है उसका समग्र अध्ययन हम कर लेते हैं। जस्ट लाइक सर, जैसे हिंदी लिटरेचर की मैं बात करूँ, या फिर फिलासफी की बात करूँ, बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करूँ, फिलासफी है। तीसरे, इसके अलावा सर साइंस जैसे पेपर्स भी सर हिस्ट्री में जो है सम्मिलित हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरे अन्य पेपर भी सर इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है सर, कि इतिहास के जरिए सर हम विगत का किसी भी जो भी घटना घटित हुई है उसके पीछे जो क्या कारण है, उसके पीछे का कब क्यों और कैसे को हम जानते हैं। और ये चीज़ जो है कल को अगर मैं प्रशासनिक अधिकारी बनता हूँ सर, तो उस चीज़ में भी मेरे लिए जो है काफ़ी रेलिवेंट होगी, और इसे प्रशासन को चलाने में सर, अच्छे प्रशासन को चलाने में मेरे लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो सकती है। इसके अलावा सर, इतिहास जो है एक व्यक्ति को जो है संवेदनशील बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, और एक प्रशासक को सर संवेदनशील होना चाहिए जनता के टुवर्ड्स, तब वो अच्छा शासन कर सकता है। इसलिए सर मैंने इतिहास लिया। और जहाँ तक मार्क्स की बात है सर, इसमें अच्छे मार्क्स भी आते हैं, जो पास्ट सिनेरियो वो बताता है। इन सभी चीज़ों की वजह से सर मैंने इतिहास को सेलेक्ट करना पसंद किया। अच्छा, आपने कहा कि इतिहास से साइंस की, इतिहास में साइंस भी है। सर, कैसे साइंस है इसमें? साइंस तो मुझे नहीं दिख रहा। सर, इतिहास में अगर हम साइंस की बात करें सर, तो अगर मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करता हूँ सर, हड़प्पा सिविलाइजेशन को जानने के जो सोर्सेस हैं सर, उसमें एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं सर, और यह आर्कियोलॉजी जो है साइंस का ही सर पार्ट है। इसके अलावा इतिहास में जितने बड़े बड़े सर फोर्ट्स बने हैं, जो फोर्टिफिकेशंस किया गया, राजा रजवाड़े के बड़े बड़े महल्स बने हैं, बड़े बड़े टेंपल्स बने हैं अलग अलग शैली में, चाहे बेसर शैली की बात करें, द्रविड़ शैली की बात करें, नागर शैली की बात करें, या फिर अगर हम आर्ट्स की बात करें, अगर पेंटिंग्स की बात करें, थंका पेंटिंग्स की बात करें, मधुबनी पेंटिंग्स की बात करें, या फिर पाल कला की बात करें, तो सर सभी में साइंस है। साइंस को ध्यान में रखकर ही सारे चित्र बने, सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स तैयार किए गए, और सारे आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं जो उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए, जिसके आधार पर हम इतिहास लिखते हैं, सभी में सर कहीं ना कहीं साइंस है। इसलिए सर इतिहास में साइंस जो है माना जाता है। अच्छा, चलिए, साइंस की बातें हुई हैं, तो हमें बताइए कि इतिहास में आपको डिफेंस साइंस कहीं दिख रहा है? बिल्कुल सर। अगर सर इतिहास में अगर डिफेंस की सर बात करें, और डिफेंस में अगर साइंस को खोजें, तो काफ़ी हद तक देख सकते हैं सर। इसकी शुरुआत अगर हम प्री मौर्यन पीरियड से ही करें, तो हम देखते हैं अजातशत्रु को देखते हैं सर, तो उन्होंने एक रथमूसल, एक यंत्र था रथमूसल, जो शत्रुओं के खिलाफ अजातशत्रु के द्वारा यूज किया गया था, वो अपने आप में काफ़ी प्रभावकारी रहा था युद्ध जीतने में, तो वो सर साइंस का ही एक नमूना। आगे चलकर अगर हम तुगलकावा नीति की बात करें मुगल काल में, जो बाबर ने यूज किया था सर पानीपत में, या फिर तोफखाने की हम बात करें, बारूद की बात करें, गोले की बात करें, तो सर काफ़ी कुछ डिफेंस में जो है साइंस है। अगर हम रॉकेट की बात करें, तो सर टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि छोटे मोटे रॉकेट्स के भी यूज जो है उसमें किया जा रहा था, तो डिफेंस सेक्टर में सर काफ़ी कुछ साइंस है। बहुत ही अच्छा, आपने इतिहास में भी साइंस खोज लिया, तो बहुत अच्छी कलाकारी मानी जाएगी, है ना। अच्छा, एक ही बताइए, ये तो साइंस की बातें हो गई, क्या शासन प्रशासन में आपको लग रहा है कि जब आपका चयन होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए और आप जाएंगे, तो वहाँ पर शासन प्रशासन में इतिहास से आपको क्या मदद मिलेगी? बिल्कुल सर, इतिहास सर काफ़ी रेलेवेंट पेपर है सर, पहले भी रेलेवेंट थी, आज भी रेलेवेंट है, और मुझे लगता है इन फ्यूचर भी रेलेवेंट रहेगी। जहाँ तक सर शासन प्रशासन का सवाल है, तो सबसे पहले अगर मौर्यन पीरियड में हम चले जाएं सर, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा, ये शासन प्रशासन पर ही आधारित पुस्तक है। इसमें बताया गया था कि एक राजा का प्रजा के प्रति क्या दायित्व होता है, क्या कर्तव्य होता है, और आज भी सर हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। हमारा मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट जिसे कहते हैं सर, कैसा होना चाहिए, हमारे अधिकारी वर्ग कैसे होने चाहिए, और जनता के टुवर्ड्स कितने इंक्लाइंड होने चाहिए, कितने तत्परता के साथ उनके अंदर सेवा का भाव हो, ये हमें उस समय भी देखने को सर ये मिलता है। तो शासन प्रशासन में तो सर रेलिवेंसी है। दूसरी ओर सर, इतिहास में विगत की घटनाओं के बारे में बताता है, तो विगत में जो हमारे द्वारा जो सर गलतियां की गई है शासन प्रशासन को खासकर पर्टिकुलर लेकर, ठीक है, उन गलतियों को हम ना दोहराएं, इतिहास हमें सबक सिखाता है।
तो सर शासन प्रशासन में तो रेलिवेंसी है। तीसरा सर ये हमें संवेदनशील बनाता है, एक ह्यूमन के लिए संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, खासकर एक प्रशासक के रूप में संवेदनशील होना काफ़ी जरूरी है, तभी आप जनता से अपने आप को जो जोड़ पाएंगे, अदरवाइज आपके अंदर जो है और जनता के बीच में एक बिलवाव पैदा हो जाएगा। लेकिन इतिहास आपको संवेदनशील बनाकर जनता के बीच, जनता और शासक के बीच में एक लगाव पैदा करता है, जो शासन प्रशासन चलाने के लिए काफ़ी अहम बात है। तो इसके अलावा बहुत सारी खूबियाँ सर जो इतिहास बैकग्राउंड वाले को मिलती है जो शासन प्रशासन। पूर्व का जो इतिहास है यह देखा जा रहा है कि चूँकि वहाँ पर राजतंत्र था और राजतंत्र मुख्य रूप से केंद्रीकरण के सिद्धांतों पर आधारित हुआ करते थे, मुख्य रूप से वहाँ पर विकेंद्रीकरण का कहीं कहीं अभाव था, क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं सर, अगर सर हम भारतीय अभी की शासन पद्धति का मूल में डिसेंट्रलाइजेशन है, जो आधुनिक शासन, अगर सर हम भारतीय इतिहास की बात करें सर, तो लक्ष्मी गणराज्य जो वैशाली में थे सर, बिहार के वैशाली में लक्ष्मी गणराज्य ने सर पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर पहली बार गणराज्य, जो रिपब्लिक जिसे हम रिपब्लिक कहते हैं, गणतंत्र, उस शासन पद्धति को जो है लॉन्च किया था। इसके अलावा सर अगर हम मौर्य काल की भी बात करें तो मौर्य काल में अशोक महान जैसे शासक हुए और उनके द्वारा धम्म नीति का परिपालन किया गया था। एक्चुअली सर धम्म नीति जो था कई धर्मों का एक समूल था, एक क्रक्स था जो सारे धर्मों की अच्छाई को लेकर बनाया गया था, और वो उनका संबंध जो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक अप्रोच से था कि पहले तो जनता का जो है प्रशासक के प्रति क्या कर्तव्य होता है और प्लस शासक का जो एक जनता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, किस तरीके से बिना भेरी घोष के यानी बिना तलवार उठाए जो है एक व्यक्ति किस तरीके से शासन कर सकता है, ये जो है सर हम धम्म घोष के जरिए देख चुके हैं। तो मुझे लगता है सर चोल शासन पद्धति के, इसके अलावा सर चोल शासन पद्धति की बात करें तो स्थानीय स्वशासन की बात करता है, और आज स्थानीय स्वशासन का मतलब ये होता है सर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, टॉप अप्रोच, आज हम इसी डिसेंट्रलाइजेशन पद्धति को सर फॉलोअप कर रहे हैं। तो ये चोल पद्धति में हम पहले ही सर हजारों वर्ष पहले ही देख चुके हैं, जहाँ स्थानीय स्वशासन काफ़ी जो था रिलेवेंट था और काफ़ी मजबूत स्थिति में हुआ करते थे, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंस तो प्रकार ये है। अच्छा ये बताइए कि बिहार का इतिहास में क्या स्थान है या फिर इतिहास में योगदान कंट्रीब्यूशन को अगर देखें तो कहाँ कहाँ आपको बिहार का योगदान? सर बिहार का इतिहास सर शुरू से प्राचीन काल से अत्यंत गौरवशाली रहा है। सर अगर हम प्राचीन काल की बात करें या मध्यकाल या फिर हम आज वर्तमान काल यानी कि आधुनिक काल की बात करें, यहाँ तक कि पोस्ट मॉडर्न एरा की बात करें, तो काफ़ी रेलिवेंट रहा है और काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। पहले सर अगर प्राचीन काल की बात करें तो सबसे पहले बुद्ध और जैन जैसे फिलोसफर्स हुए जिन्हें आज पूरी दुनिया मानती है, उनके फिलॉसफी को पूरी दुनिया मानती है, पहले रेलिवेंस। दूसरा सर हम लोग लिच्छवी जैसे गणराज्य के जरिए गणराज्य का मैसेज पूरे वर्ल्ड वाइड भेजा। तीसरा सर अशोक की धम्म नीति के जरिए जो है हमने एक डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम किया, केवल देश से नहीं बल्कि देश के बाहर विदेशों से भी, चाहे कंबोडिया हो, श्रीलंका हो या फिर चाइना हो या दूसरे कई सारे देश में जहाँ पर हमारे धर्म के प्रिसेप्टर्स जो उपदेशक जो है गए, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म जैन धर्म को जो फैलाया, इसके जरिए सर विदेशी संबंध को भी जो है हमने काफ़ी अच्छा किया, काफ़ी मजबूत बनाया। इसके अलावा अगर सर हम मिडिवल इंडिया की अगर बात करें तो शेरशाह सूरी बहुत बड़े शासक थे, हालांकि उनका पीरियड सर काफ़ी शॉर्ट रहा था, लेकिन उनकी नीति जो थी अत्यंत दूरदर्शी थी, उनके द्वारा ग्रैंड टेक रोड दिया गया, और इसके अलावा पूरे देश को यूनाइट करने की उनकी पॉलिसी थी, और देश को यूनाइट करने की पॉलिसी नहीं थी बल्कि साम्राज्य का विस्तार करने की पॉलिसी थी कि भारत को जो यूनाइट करने के बाद जो है मध्य एशिया और मध्य पूर्व एशिया तक जो है इसका जो है विस्तार किया जा सके। अगर सर मॉडर्न इंडिया की हम बात करें तो मॉडर्न इंडिया और भी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है, चंपारण जैसा सत्याग्रह सर जिससे आकर गांधी जी जुड़ते हैं और गांधी जी यहीं पर जुड़ने के बाद जो एक मास लीडर के रूप में उभरते हैं। चंपारण सत्याग्रह से पहले अगर सर हम कांग्रेस के मूवमेंट को देखें जो स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर चल रहा था, तो उसमें आम लोगों का सर कोई जुड़ाव नहीं था, खास करके जो मिडिल क्लास, जो निम्न मिडिल क्लास के लोग थे या निम्न तबके के लोग थे, किसान मजदूर भाई लोग जो थे उनका जुड़ाव नहीं था। चंपारण सत्या के बाद ही हमारे किसान भाई या मजदूर भाई या निम्न वर्ग के लोग जो है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन का धरापक अत्यंत व्यापक हो जाता है और ब्रिटिश प्रभुसत्ता को हम निकाल बाहर करने में सफल होते हैं। अच्छा इतिहास में आप ये बताइए कि माइग्रेशन कई स्थानों पर दिखता है, इसके फलस्वरूप आसियान कंट्री में तो हमारा अच्छा रिलेशन रहा है बुद्धिज्म और जैनिज्म के कारण, लेकिन अफ्रीकन कंट्री या लैटिन अमेरिकन कंट्री के साथ संबंध को कहीं जोड़ने वाली कड़ी दिख रही है? बिल्कुल सर। सर जब भारत के ऊपर जब ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई
तो यहाँ बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाकर एक स्लेव के रूप में जो था विदेशों में काम करने के लिए भेजा गया था। हमारे पूर्वजों को आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व भेजा गया था। ये पूर्वज जाकर ना केवल ब्रिटिश सत्ता के दिन वहाँ काम करते थे, धीरे धीरे उन्होंने जो था अपना एक वहाँ के समाज में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल खोज लिया। और आज भी सर जैसे मॉरिशस में देखते हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री सॉरी सर मैं नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ उनका, अनिरुद्ध जगन्नाथ, नवीन राम गुलाम, नवीन राम रामचंद्र जैसे जो है लोग जो है ये हमारे पूर्वजों के ही जो है देन है सर कि ये जो है इस स्तर पर विदेशों में जाकर इस स्तर पर पहुँचते हैं। और वो रूट सर जो आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे हमारे देश के लोग जो है पूर्वज जाकर दूसरे देश में बसते हैं, वो हमारे भारत के साथ जो है संबंध को जो है सर पुख्ता करते हैं, मजबूत करते हैं। तो इसका फायदा सर भारत मॉरिशस को तो मिलता है। मॉरिशस के अलावा, मॉरिशस के अलावा सर त्रिनिदाद टोबैगो, मॉरिशस, इसके अलावा कुछ प्रायद्वीपीय देश है सर, मैं अभी नाम सर मिस कर रहा हूँ, गुयाना, सुरीनाम, फिजी, सुरीनाम वगैरह सर। ठीक, अच्छा वर्तमान में अभी कोई अमेरिका में कोई महत्वपूर्ण पद पर हो? बिल्कुल सर, अभी अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस सर जो मूलतः जो भारत की रहने वाली है, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है सर, मतलब भारतीय मूल की अमेरिकन है। कमला नाम से एक आदमी और किसी देश की राष्ट्राध्यक्ष है, बिहार की, मूल रूप से बिहार की। ठीक, सॉरी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की कमला प्रसाद विश्वेश्वर महिला है, अभी कमला प्रसाद विश्वेश्वर वहाँ की राष्ट्राध्यक्ष। तो ये तो हिस्ट्री की बातें हो गई। अब ये बताइए कि आपने जिस ढंग से बताया कि बिहार इतिहास को बनाने में, चाहे एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक, अच्छा बिहार से कुछ इतिहासकार भी हुए हैं? बिल्कुल सर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। बिल्कुल सर, डॉक्टर रामचरण शर्मा की बात कर लें, इम्तियाज अहमद की बात कर लें, ये सर बिहार से बिलोंग करने वाले जो है हिस्टोरियन है, ग्रेट हिस्टोरियन कह सकता है सर, जिन्होंने भारत के इतिहास पर जो है अपने पुस्तक को लिखा है। खुदाबख्श के बारे में अपने? बिल्कुल सर, खुदाबख्श, खुदाबख्श पब्लिक लाइब्रेरी सर पटना में स्थित है और ये काफ़ी ऐतिहासिक लाइब्रेरी है। संभवतः सर इनका इसका फाउंडेशन जो सर 1932 के अप्रोक्स में शायद रखा गया था, एग्जैक्ट सर मुझे याद नहीं है। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए कि इतिहास को जनरली हम लोग कालक्रम में अगर देखते हैं तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, ये आधुनिक इतिहास कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलता रहेगा या फिर उसके कालखंड में कुछ बदलाव आएगा? आधुनिक के बाद क्या होगा? तो सर 47 तक के इतिहास को तो सर हम मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में जानते हैं, 47 के बाद के इतिहास को सर हम पोस्ट मॉडर्न एरा के रूप में कर सकते हैं सर, और ये सर पीरियड जो है अभी लंबी चलेगी। इसे पोस्ट मॉडर्न यूरोप में भी सर ऐसा हो रहा है कि मॉडर्न के बाद पोस्ट मॉडर्न एरा आ रही है, और भारत में भी सर यही देखने को मिल रहा है कि 1947 के बाद की हिस्ट्री को पोस्ट मॉडर्न एरा कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सर भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध हो या फिर भारत चीन के बीच का युद्ध हो या 71 का बांग्लादेश की मुक्ति संघर्ष की बात हो या कारगिल वार हो या फिर सर 75 का टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति हो, इसे पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में सर हम जानते हैं। अच्छा, ये कई बार इस बात को लेकर के विवाद होता है इतिहास के पुनर्लेखन को लेकर, समाज की एक विशेष धारा के लोग इतिहास के पुनर्लेखन की बातें करते हैं तो कुछ लोग उसकी विरोध करने वाले भी होते हैं। इतिहास का पुनर्लेखन आखिर है क्या और क्या ये जरूरी है? बिल्कुल सर, इतिहास का पुनर्लेखन सर जरूरी है, क्योंकि सर मेरा मानना है कि जो इतिहास लिखे गए खास करके उन हिस्टोरियंस के द्वारा जो ब्रिटिशर्स थे या विदेशी थे, उन्होंने सर हमारे इतिहास को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया और उसमें उन्होंने दिखाया कि हमारा कल्चर जो था, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी कल्चर जो थी वो इन्फीरियर थी देन द ब्रिटिशर्स और देन द अदर फॉरेन कंट्रीज। तो सर इतिहास को फिर से अगर पुनर्लेखित किया जाता है, फिर से लिखा जाता है, तो इतिहास में कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर गलत दिखाए गए हैं या कुछ जो एनालिटिकल थिंग्स हैं जो गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है उसे सही किया जा सकता है। खास करके अगर कल्चर की बात करें, सिविलाइजेशंस की बात करें, तो हड़प्पा जैसे सिविलाइजेशन, जब ब्रिटेन का उदय भी नहीं हुआ था सर, तो हड़प्पा जैसे सिविलाइजेशंस था जो मिस्र मेसोपोटामिया में सभ्यता के समकालीन माना जाता है। इस मामले में सिविलाइजेशंस और कल्चर के मामले में हम काफ़ी ब्रिटिशर्स से या विदेशियों से काफ़ी रिच है, फिर भी हमें निम्न दिखाया गया था।
तो इतिहास के पुनर्लेखन करके सर आने वाली जो फोर्थकमिंग जनरेशन है उन्हें हम ये बता सकते हैं कि हमारे इतिहास में कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर थे जिन्हें या तो भुला दिया गया या जिन्हें सही तरीके से जो इंटरप्रेट नहीं किया गया, सही तरीके से एनालाइज नहीं किया गया, और उसका क्या सही तरीके से व्याख्या होता है, क्योंकि आने वाले जनरेशन को जानना सर जरूरी है, इसलिए इसका पुनर्लेखन भी जरूरी है। अपने सिंधु घाटी की चर्चा की, सिंधु घाटी सभ्यता से हम क्या सीख सकते हैं, कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं? बिल्कुल, केवल इतिहास का पाठ, एक ऐसी इतिहास की चीज़ जिस पर हम केवल गर्व कर सकते हैं? नहीं सर, सिंधु घाटी सभ्यता में कई से रेलिवेंट चीज़ें सर जो सीखा जा सकता है, और सीखा ही नहीं जा सकता सर, बल्कि वो अनवरत आज तक कंटिन्यू से सीख भी रहे हैं, और वो कंटिन्यू फॉलोअप भी कर रहे हैं, आज तक उसे फॉलोअप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सर, सिंधु घाटी सभ्यता की विदेशी व्यापार की अगर हम बात कर लें, तो आज से हजारों वर्ष पहले जो था हमारी विदेशी व्यापार जो थी काफ़ी सफलीभूत थी, हम विदेशों के साथ जो था मेल हुआ, जैसे कंट्री ईरान, इराक जैसे देशों के साथ, मेसोपोटामिया जैसे देशों के साथ जो था जो हमारा जो था विदेशी संबंध था, व्यापार वाणिज्य का सर संबंध था। आर्ट और आर्किटेक्ट के मामले में भी हम काफ़ी सर इनरिच थे, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, एक नगरीय सभ्यता थी जो अपने समकालीन दूसरे सिविलाइजेशन से कहीं आगे थी, तो इन चीज़ों को सर सीखने की ज़रूरत थी। इन चीज़ों को ना सीखने की वजह से ही जो है हम एक अर्बन सिविलाइजेशन से फिर से वैदिक काल में जो था ग्रामीण सभ्यता की ओर, ग्रामीण संस्कृति की ओर जो है आगे बढ़ जाते हैं, और फिर से हम अर्बन सिविलाइजेशन में आने में सर करीब करीब 1000 ईयर्स से भी जो है सर ज़्यादा लग जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर काफ़ी ऐसे चीज़ है, आर्ट एंड आर्किटेक्ट को लेकर हो या फिर जो है साइंटिफिक अप्रोच को लेकर हो, विदेशी संबंध को लेकर, विदेश व्यापार को लेकर हो, उसकी नगर नियोजन पद्धति को लेकर हो, काफ़ी कुछ सर सीखने वाली चीज़। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, कि नगरीय समाज था या ग्रामीण समाज? सर नगरीय समाज, पूर्णतः नगरीय समाज था। बिल्कुल सर। अच्छा, इतिहास के कालखंड की बात करें तो इतिहास के किस कालखंड में सबसे ज़्यादा आपको रुचि लगती है, रुचकर खंड कौन सा है? सर मेरे रुचकर खंड सर मॉडर्न इंडिया, आधुनिक बात कर रहे हैं। मॉडर्न इंडिया, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जनरली लोग एंशिएंट बताते हैं। अच्छा, मॉडर्न इंडिया में भी कई सारी चीज़ें हैं, तो उसमें कौन सा करेक्टर आपको सबसे अच्छा लगता है? करेक्टर में सर, इसमें अगर ब्रिटिश यूरोपीय अराइवल ऑफ यूरोपियन कॉलोनी है, या फ्रीडम मूवमेंट है, या फिर सोशल रिलीजियस मूवमेंट है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सर। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, अच्छा, फ्रीडम स्ट्रगल में की अगर बात किया जाए तो कौन से करेक्टर सबसे अच्छे आपको लगते हैं? मिस्टर गांधी सर। अच्छा, गांधी, क्या वजह क्या है? वजह यह है कि सर गांधी के रेलिवेंसी, गांधी की प्रासंगिकता, गांधी के जो आइडियोलॉजी थे, उनकी जो विचारधारा थी काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल थी और आज भी प्रैक्टिकल है, और इनकी रेलिवेंसी, उनकी सत्य अहिंसा और सत्याग्रह वाली जो बात है वो आज भी सर रेलिवेंट है, उसमें भी रेलिवेंट थी और आने वाले समय में भी रेलिवेंट रहेगी। सत्य अहिंसा तो बहुत पहले से भी इंडिया में थी। बिल्कुल सर, सत्य अहिंसा बहुत पहले से भी थी, लेकिन गांधी ने सर इसे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अप्लाई किया। पहले जो थी सर वो अप्रोच तक ही थी, इसे प्रैक्टिकली जो थे इम्प्लीमेंट जो था बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन गांधी मेरे समझ से सर पहले से सख्त थे, जो केवल कहते ही नहीं थे बल्कि उस पर अमल कर पहले दिखलाते थे, अपने सत्य अहिंसा और सत्याग्रह की बात को अमल कर दिखलाते थे, और दिखलाने के बाद फिर एक एग्जाम्पल प्रोड्यूस करके लोगों को इस पर अमल करने के लिए कहते थे। इस मामले में गांधी सर दूसरे से इतना दूसरे से अलग है। अच्छा, वर्तमान संदर्भ में राष्ट्रवाद की बातें की जाए तो गांधी जी का राष्ट्रवाद प्रासंगिक है या फिर टाइगर की राष्ट्रवाद प्रासंगिक है? सर दोनों अपनी जगह पर बिल्कुल करेक्ट हैं। गांधी के राष्ट्रवाद और टाइगर के राष्ट्रवाद में सर सूक्ष्म अंतर है। टाइगर जो है सर राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीयवाद की बात करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, उनका मानना था कि संपूर्ण विश्व जो है एक है, कोई देश नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज वगैरह नहीं है। इस मामले में काफ़ी ज़्यादा उदार दिखते हैं, लेकिन सर उनके साथ एक समस्या है कि प्रैक्टिकल अप्रोच मेरे समझ से वो नहीं है, जबकि गांधी का राष्ट्रवाद पूर्ण टैगोर के रिस्पेक्ट में सर थोड़ी संकुचित है। इनके ये एक पेरिफेरी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंतर्गत ही इनका राष्ट्रवाद आता है, जो एक देश के अंतर्गत आता है, और ये सर इसे कई बार लोग कट्टर राष्ट्रवाद भी कह देते हैं, लेकिन सर ऐसा भी नहीं है, कट्टर राष्ट्रवाद भी नहीं है, क्योंकि गांधी का सर यहाँ अप्रोच मेरा मानना है सर प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से गांधी का राष्ट्रवाद भी बिल्कुल सही है। अच्छा, जहाँ तक गांधी और अम्बेडकर की बातें हैं दलित संदर्भ में, दलित संदर्भ में, इसमें दोनों में से कौन ज़्यादा आपको अच्छे लगते हैं, अम्बेडकर महोदय या फिर गांधी जी? सर अगर देखा जाए सही तरीके से सर तो दोनों अपने जगह पर सर सही हैं,
थोड़ी बहुत सर दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे और डिफरेंसेस टाइम के अकॉर्डिंग थे सर, क्योंकि उस समय के हिसाब से थोड़े बहुत डिफरेंसेस था, लेकिन दोनों सर राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे और दोनों ब्रिटिश सत्ता से देश की आज़ादी चाहते थे। अम्बेडकर सर दलित उत्थान की बात करते थे, गांधी ने भी सर हजनो उत्थान दलित उत्थान की बात की है। गांधी सर उस समय नहीं चाहते थे कि अपने देश के अंदर भी किसी क्लास को लेकर किस तरह का कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जिसकी वजह से हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो कमज़ोर पड़ जाए। इसलिए सर उनकी एक मजबूरी भी रही होगी कि वो उन चीज़ों को जिस चीज़ को अम्बेडकर ज़ोर शोर से उठा रहे थे उन चीज़ों को वो ज़्यादा हवा नहीं दे रहे थे, ज़्यादा ज़ोर शोर से नहीं उठा पा रहे थे। ऐसा नहीं था सर कि मिस्टर गांधी जो थे दलित उत्थान की बात नहीं करते थे या दलितों के प्रति उनका जो था विचार जो था अम्बेडकर से बहुत मिस्टर अम्बेडकर से बहुत ज़्यादा इधर था, लेकिन वो सर टाइम के रिलेवेंसी के हिसाब से दोनों अपने अपने जगह पर बिल्कुल सही। ओके, ऑल द बेस्ट, कंक्लूजन होता है।